हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकृति। तो फ्रेंड्स, हमारे सब्सक्राइबर ने हमें चैलेंज दिया था कि हमें रात को हॉन्टेड प्लेस जाना है। तो हमारे घर के पीछे एक हॉन्टेड प्लेस है, तो हम वहाँ पे जाएंगे सिर्फ आप कहने पे। वैसे वो जगह बहुत डरावनी है। तो उस जगह का नाम हॉन्टेड लेक है, क्योंकि उस जगह के पास लेक भी है एक। तो हम अभी उस जगह पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो जगह कैसी है। तो मुझे डर लग रहा है अभी। तो अभी हम चलते हैं उस जगह पे। तो अभी हम चलते हैं हॉन्टेड प्लेस। यहाँ से सीधे जाके हमें लेफ्ट लेना है। कुत्तों की आवाज़ तो ज्यादा ही डरा रही है। वो जगह कुछ ही दूरी पर होती है। तो फ्रेंड्स, हम उस जगह पे आ चुके हैं। तो ये जगह मुझे क्या, सब लोग इसलिए भी और डरावनी लगती है क्योंकि ये रोड के नीचे है। तो यहाँ पे बहुत सारे शीशे वगैरह, ये कूड़ा वगैरह सब पड़ा है। तो ऐसे तो हम जा नहीं सकते, तो हम लाइट जगा लेते हैं। तो अभी हम जाएंगे नीचे। जैसे मैं पास जाती हूँ, तो मुझे डर लग रहा है। यही पे किसी की डेथ हुई है, इसलिए इसको हॉन्टेड जगह कहते हैं। तो यहीं पे है, एकदम ये सुनसान है, यहाँ पे कोई नहीं है आते जाते। और उधर भी एकदम, जैसे मैंने आपसे कहा, ऐसे भी लेट है और यहाँ पे शीशे भी पड़े हैं। तो सच में बहुत डरावनी है। यार वहाँ पे कोई है, देख। वहाँ पे कोई लग रहा है मेरे को एकदम। ये तो एक इतना बड़ा पेड़ है, इससे और मुझे डर लग रहा। मैं थोड़ा और पास जाके देखती हूँ। तो मुझे लेक के पास जाने में डर लग रहा है, तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। जगह जहाँ पे इधर पूरा एकदम सुनसान है, और यहीं पे वो हॉन्टेड जगह है जहाँ पे डेथ हुई है। तो इस लेक में कुछ है, सब कहते हैं, पर डर मुझे भी लगता है। डर हो या वहम हो, कुछ तो है यहाँ। ओह माय गॉड, इधर से कोई आ रहा है, देखो।